हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे थकान, कमजोरी, पैरों में जलन, पैरों में झुंझुनाहट, आलसपना, इन सभी को दूर करने वाले ऐसे पावरफुल कैप्सूल के बारे में जिसका इस्तेमाल आप करेंगे तो इसके पहले खुराक से आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि नसों में कमजोरी होती है, शरीर में थकान होती है, हाथ पैर सुन्नपन होना शुरू हो जाता है, आलस या कमजोरी महसूस होता है, नसों में दर्द या नसों में झुंझुनाहट होती है, उसके नसों में चुभन भी होता है। जब आप सुबह उठते हो तो शरीर में अकड़न जैसा महसूस होता है, काम करने में मन नहीं लगता है, हमेशा शरीर में थकान जैसा महसूस होता है। तो दोस्तों, ये सभी समस्याओं को इस पावरफुल कैप्सूल के इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, उस कैप्सूल का नाम है मीकोनर्व फोर्ट कैप्सूल और इसको बनाने वाली कंपनी माइक्रोलैब है। दोस्तों, इसके अंदर 6 तरह के कॉम्पोजिशन दिए गए हैं। मीकोबालामिन 1000 mcg, इसको हम विटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं। अल्फा लिपोइक एसिड 200 mcg और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल को दूर करने का काम करता है। इसके अलावा बिनोफोटिमाइन 100 mcg, आइनोसिटोल 100 mg, पाइरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 3 mg और फोलिक एसिड 1.5 mg रहता है। दोस्तों, MRP की बात करें तो 313 रुपये में 15 कैप्सूल मिल जाता है। दोस्तों, इस कैप्सूल की डोजेस की बात करें तो नर्व डैमेज, जहां आपकी जो नस होता है वो डैमेज रहता है, तो ऐसे कंडीशन में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसके अलावा वीकनेस फैटी, अर्थात आपको शरीर में थकान कमजोरी भी रहती है, तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, साइटिका पेन, जहां आपके नसों में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये सारे लक्षण अगर आपको देखने को मिल सकता है तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, डोजेस की बात करें तो ये कैप्सूल डेली खाना खाने के बाद खाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, साइड इफेक्ट की बात करें तो आपको एलर्जिक रिएक्शन अर्थात स्किन में रैशेस आ सकता है, वोमिटिंग आ सकता है, नौजिया आ सकता है, डिसनेस का प्रॉब्लम आ सकता है और साथ में पेट दर्द या पेट में गैस बन सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट किसी किसी पेशेंट को देखने को मिल सकता है। आई होप मेरे द्वारा जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।